नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ नगर के गुरुटोला मोहल्ले में बृहस्पतिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बाड़खंड और प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन और फोर्स के साथ पहुंची। इसके बाद टीम ने सड़क के किनारे बाड़खंड की जमीन पर बने आवासों को ढाना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग अधिकारियों से मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। बाड़खंड की जमीनों पर हर जगह अतिक्रमण है। विभाग अपनी ही जगह अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पा रहा है। इसी क्रम में दो दिन पहले विभाग द्वारा नगर के गुरुटोला क्षेत्र में सड़क के किनारे आधा दर्जन से अधिक लोगों के मकान निर्माण कराकर बाड़खंड की जमीन पर कब्जा जमा लिया था। उनको नोटिस जारी कर जमीन को खाली करने का निर्देश दिया गया, लेकिन लोगों ने बाड़खंड की नोटिस को हल्के में लिया और जमीन को खाली नहीं किया। बृहस्पतिवार को बाड़खंड के अधिकारी तहसीलदार सदर और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उनकी पहुंचते वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने का कार्य शुरू किया तो आनंद फार्म में लोग अपने सामानों को घर से बाहर सुरक्षित रखने लगे। इस दौरान टीम कई मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण को हटाया, वहीं कई मकानों को छोड़ दिया। इस पर वहां मौजूद लोगों में रोष देखने को मिला। लोग प्रशासन को सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। तहसीलदार करमवीर सिंह ने बताया कि शासन का निर्देश है कि कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न होने पाए। इन लोगों द्वारा बाड़खंड पर जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसका दो दिन पूर्व सीमांकन हुआ। आज अतिक्रमण को हटाया गया। हमारा यह अभियान अनवरत। मैं तहसीलदार हूँ, मेरे बराबर में एसडीएम बाड़खंड खड़े हैं। मैं करमवीर सिंह, आज एसडीएम साहब जो हमारे बाड़खंड में उनके नेतृत्व में, और ये बाड़खंड की जमीन है उसे वहाँ हटवाया जाना था। शासन के निर्देश भी है, माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी इसमें आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा जो बाड़खंड की सरकारी जमीन थी उसको अवैध कब्जा बना के ये लोग काबिज थे, उन्हें हटवाया गया। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि काफी समय से यहाँ थे, लेकिन इनका कोई ऐसा कोई पक्का कब्जा या कोई ऐसे कागज इनके पास नहीं थे जिनसे इनका स्वामित्व सिद्ध होता है। ये निश्चित रूप से सरकारी जमीन में 3 दिन पहले चिन्हित कर दिया गया था, और चिन्हित करने के पश्चात इन्हें नोटिस भी भिजवा दिए गए थे, और आज उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर एनकोचमेंट हटवाया है। लगभग आप देख रहे हैं 4 या 5 के करीब, और कल अभियान फिर कंटिन्यू रहेगा और पर्याप्त पुलिस और पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ फिर कल के बाद फिर शुरू किया जाएगा। ऐसे लोगों सर क्या अपील करते हैं आप? बिल्कुल, सरकारी जमीन पर शासन का सख्त निर्देश है, कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा। अगर कब्जा करेंगे तो इससे समझ लें कि वे गंभीर रूप से दंडित भी होंगे और सरकारी कब्जा प्रत्येक दशा पर हटवाया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।